अब हम लोग अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ हम लोग कहाँ चल रहे हैं, उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो, हम लोग एक्सट्रीमल एलिमेंट्स ऑफ ओसेट्स पढ़ रहे थे, ठीक है, रफली लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। हम लोग एक्सट्रीमल एलिमेंट्स ऑफ ओसेट देख रहे थे और उसमें हमने चार कैटेगरी पढ़नी थी ना। तो पहली कैटेगरी मैंने आपको दिखाई थी मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट, ठीक है, ओके। मैक्सिमल क्या होता था भाई, आपको याद आ रहा होगा, इगोइस्टिक आदमी है ना, किसी के आगे नहीं झुकता। अच्छा जी, इसके आगे कोई झुके ना झुके फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये किसी के आगे नहीं झुकेगा। मिनिमल का मतलब क्या था, कोई इसके आगे आके नहीं झुकता, मतलब न्यू एडमिशन है ना, याद है, नेगेटिव डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी और बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जस्ट समरी दे रहा हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी हमने देखी थी भाई ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट को हमने मैक्सिमम भी कहा था, इसको मैक्सिमल, इसको मैक्सिमम, ठीक है। हाँ जी, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट को हमने मिनिमम भी कहा था, ये मिनिमल, ये मिनिमम है ना, लीस्ट एलिमेंट ऑफ ओसेट, लिख देता हूँ प्रॉपर, मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट ऑफ ओसेट, एलिमेंट्स ऑफ ओसेट, और इसमें भी वही एलिमेंट्स ऑफ ओसेट। हाँ जी, तो ग्रेटेस्ट के लिए मैंने क्या एग्जांपल दिया था, ग्रेट आदमी है बहुत, है ना, मतलब सब इससे आके मिलना चाह रहे हैं, बट ये किसी के आगे, ये किसी से नहीं मिलेगा। तो उसके एग्जाम्पल हमने लिया था ईगो वाली कोई ब्यूटीफुल गर्ल है ना, जो मतलब सारा सारा का सारा कॉलेज उससे मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो किसी से नहीं मिल रही, अपनी ईगो में बैठी है ना। हाँ जी, तो ये ब्यूटीफुल गर्ल इसका एग्जाम्पल था, बट ब्यूटीफुल गर्ल तो है, क्योंकि ब्यूटीफुल गर्ल तो शायद किसी के आगे झुक भी जाए, लेकिन ये तो ईगो वाली है ना, किसी के आगे नहीं झुकती। अच्छा, लीस्ट का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था भाई, ये सबके आगे झुक रहा है लेकिन कोई इसके आगे आके नहीं झुक रहा, मतलब कपूत, याद होगा आप लोगों को है ना, मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से चीजें रिलेट कराई है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, आदमी को मतलब बहुत कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से क्लियर किया था, है ना। आई थिंक इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। तो ये तो नेगेटिव डेफिनेशन बोल रही है ना, और ये पॉजिटिव डेफिनेशन बोल रही है, ये पॉजिटिव इन द सेंस, ये क्या कह रहा है, सब आके मिले, ये क्या कह रहा है, ये सबसे मिले, और ये क्या कह रहा है, मेरे से आके कोई नहीं मिलेगा, और ये क्या कह रहा है कि कोई आके मुझसे नहीं मिलेगा, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, है ना, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अच्छा, अब हम लोग थर्ड कैटेगरी देखने वाले हैं, दैट इज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ, मैंने पहले भी समझाया था, क्या बोलने होता है, एलिमेंट्स ऑफ ओसेट नहीं, अपर बाउंड लोअर बाउंड ऑफ सबसेट ऑफ ओसेट, सबसेट ऑफ ओसेट। और फिर फोर्थ कैटेगरी हम लोग देखेंगे लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सबसेट ऑफ ओसेट, ठीक है। इन दोनों कैटेगरी को हम लोग आज लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ सबसेट ऑफ ओसेट क्या होता है हम देखते हैं। हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, जस्ट से एक ऑफ रिवीजन मैंने फटाफट से आपको बता दिया और कुछ नहीं, हटा रहा हूँ। चलो तो शुरू हो जाओ, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ सबसेट ऑफ ओसेट। देखो बहुत सिंपल, पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ ये एग्जैक्टली है क्या चीजें, उसके बाद फिर मैं डेफिनेशन भी आपको समझाऊंगा। देखो, सपोज करो हमारे पास कोई ओसेट है ए कॉमा आर, कोई रिलेशन आर होगी, दैट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, और ये सेट ए है जो कि नॉन एम्प्टी है, ठीक है। बार बार समझाता हूँ भाई, ए हमारा एम्प्टी भी हो सकता है, बट वही बात है, ए एम्प्टी होगा तो फिर रिलेशन भी हमारी एम्प्टी रिलेशन ही रहेगी, और उसका खास मीनिंग नहीं बनता, इसलिए मैं जनरली ए नॉन एम्प्टी बोलते रहता हूँ और एक रिलेशन आर बोलते रहता हूँ, दैट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑफ दिस सेट ए, ठीक है जी। मतलब ए में काफी सारे एलिमेंट्स हैं, हमने एज्यूम कर लिया। अच्छा, तो अब मैंने क्या बोला था भाई, अपर बाउंड और लोअर बाउंड ऑफ सबसेट ऑफ ओसेट ना, तो हमने यहाँ से कोई एक सबसेट पकड़ दिया, ठीक है, ये हमारा सेट पूरा ए है, तो यहाँ से मैंने एक सेट बी पकड़ लिया है, जिस एक सबसेट बी पकड़ लिया ए का, जिसका मुझे अपर बाउंड कैलकुलेट करना है। तो इसके अपर बाउंड क्या होगा, मैं एज्यूम करता हूँ वो भी कोई सबसेट होगा सी, सबसेट सी ऑफ दिस सेट ए, और खास बात क्या होगी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा मैग्निफाई करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट बी, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, और ये हो गया जी हमारा सेट सी, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, थोड़ा सा मैंने मैग्निफाई कर दिया इसको, बड़ा करके दिखा रहा हूँ। अपर बाउंड कब होगा, जब मैं क्या कहूंगा, यहां पे बैठा हर एक एलिमेंट, बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, यहां पे बैठे हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं। प्लीज ध्यान रखना, क्या खास बात है भाई, बी में जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट यहां पे बैठे हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा होगा, तब जा करके मैं इस सबसेट बी का इस सबसेट सी अपर बाउंड कह पाऊंगा। बात समझ आ रही, किसी छोड़ना नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो यहां पे बैठा हर एक एलिमेंट यहां पे बैठे हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा होगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, प्लीज मैं रफली यार बना रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे, एक एक करके सबके साथ बना देना, छोटा बना तो समझ में आ गया। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने तीन ही एलिमेंट ले लिए सी में, ठीक है, और से मैंने चार, या चलो तीन एलिमेंट ले लिए मैंने बी में, है ना, वही बात है, फिर आपको लगेगा साइज सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं है, चार एलिमेंट ले लो बी में, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, बी को हर एक के साथ, ये पहला एलिमेंट पकड़ा बी का, हर एक के साथ रिलेट करना, उसके बाद फिर दूसरा एलिमेंट पकड़ना,
हर एक के साथ रिलेट करना। फिर तीसरा पकड़ना एंडसॉन, मैसी हो जाएगा, आप समझ पा रहे हो ना। तीसरे को पकड़ के हर एक के साथ लिंक करना, चौथे को पकड़ के हर एक के साथ लिंक करना। तब आप क्या कहोगे, इन चारों एलिमेंट के लिए ये तीन एलिमेंट अपर बाउंड है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब वर्डिंग में कैसे लिखे वो चीज मैं अभी आपको समझाता हूँ, है ना। अच्छा, अब वो बात, चलो पहले वर्डिंग की बात करने से पहले, ये तो अपर बाउंड का कंसेप्ट होगा, तो मैं क्या कहूंगा, फॉर सबसेट बी ऑफ ए, सबसेट सी ऑफ ए इज अपर बाउंड, ठीक है। ये चीज हम यहाँ डायग्राम से समझ पा रहे हैं। अच्छा, साथ साथ लोअर बाउंड भी देख लो, फिर साथ साथ इकट्ठे डेफिनेशन में समझा दूंगा आपको। देखो लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है, लोअर बाउंड बहुत सिंपल बात है। जैसे मेरे पास कोई सेट बी है, ठीक, सबसेट बी है ऑफ दिस सेट ए, अगेन वही एग्जांपल में ले लिया, से सपोज कर ले तो तीन तीन एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज सबसेट बी। अच्छा, इसका कोई मैंने और ए का ही मैंने कोई और सबसेट बनाया है से सी, ठीक है, उसमें हम मान लेते हैं चार एलिमेंट है। अब क्या खास बात होगी कि यहां पे बैठा हर एक एलिमेंट, यहां पे बैठे हर एक एलिमेंट के साथ लिंक होना चाहिए, मतलब इन द सेंस डायरेक्टली। देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो गए, एरो के साथ समझो, ठीक है, सी है ना ये, हाँ, तो मैं ऐसे एरो बनाऊंगा, यहाँ पे बैठा हर एक एलिमेंट, यहाँ पे बैठे हर एक एलिमेंट के साथ लिंक होना चाहिए, ठीक है जी। पहले को पकड़ा, सबके साथ लिंक कर दिया, दूसरे को पकड़ा, सबके साथ उठा करके लिंक कर देना, एंड सो ऑन, सबके साथ लिंक कर देना। तो मैं क्या कहूंगा, फॉर सेट बी या ऐसे लिख दो, फॉर सबसेट बी ऑफ ए, सबसेट सी ऑफ ए इज लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड का मतलब शायद थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, थोड़ा और अच्छे ब्यूटीफुल स्टाइल से बोलता हूँ। सिंपली मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे बैठे हर एक आदमी साथ रिलेट कर रहा है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बैठे जितने भी एलिमेंट है आप उन सबको पकड़ दो, हर एक एलिमेंट यहाँ पे बैठे हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। अब वही बात, इसको नेगेटिव सेंस मत देना, यहाँ से रिलेट कर रहा है इसे, तो यहाँ से यहाँ एरो नहीं डाल देना, एरो यहाँ से यहाँ ही डालना। तो मैं रफली बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहे हो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा कोशिश करो ठंडे दिमाग से समझने की, आपको समझ में आएगा। नो डाउट ये चीजें कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको, बट थोड़ा सा एक बार आप पेशेंस से समझ लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। सिंपल बात, मैंने एरो भी बना दिया तो अब और मेरे ख्याल से मैं इसे ऊपर क्या बोलूं, है ना। तो आपको लगेगा कि ये और ये तो फिर एकदम सेम बात ही हो गई, है ना, इसको क्यों नहीं कह रही आपने सीधा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये सी था, ये बी था, फिर आपने बी और सी बस नाम चेंज कर दिया और क्या कर दिया, है ना। तो आप बोल के भाग सकते थे, हाँ आप बोल सकते थे, बट एक्चुअली फिर बात पता है कहाँ आके रुकती है, बात यहाँ आके रुकती है कि जैसे मैंने बोला यहाँ पे चार एलिमेंट थे ना, तो सी सेट की क्या खास बात है, यहाँ पे सिर्फ तीन ही एलिमेंट है, मतलब इन द सेंस अगर ये चारों के चारों किसी और एलिमेंट के साथ लिंक हो रहे होते तो वो एलिमेंट भी सी का पार्ट होना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सकता था कि वो सी का पार्ट ना हो, मतलब ये चारों के चारों एलिमेंट जितने भी एलिमेंट से रिलेट कर रहे होंगे, ऊपर जितनों से भी रिलेट कर रहे होंगे, वो सारे के सारे अपर बाउंड में आते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी ये चीज कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट की क्या खास बात है, नीचे बैठे जितने भी एलिमेंट्स इन सभी के साथ रिलेट कर रहे होंगे वो सारे के सारे लोअर बाउंड में आएंगे। थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बात समझ आई, दोबारा से बोलता हूं, देखो आराम आराम से समझो, नो डाउट कंफ्यूजिंग है, आराम आराम से समझो। ये सी का जो सेट है ये अपर बाउंड क्यों है इस सेट के लिए, क्या कहना चाहता हूं मैं, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट जितनों के साथ भी रिलेट कर रहे होंगे ऊपर, ये सारे सारे एलिमेंट जितनों से भी रिलेट कर रहे होंगे ऊपर, वो सभी के सभी अपर बाउंड में आएंगे, सभी के सभी, छोड़ना नहीं है किसी को, ठीक है। हाँ हो सकता, चलो आगे बात करूंगा, अभी बस इतनी बात करो, ये सारे के सारे एलिमेंट ऊपर जितने भी एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं वो सारे के सारे अपर बाउंड में आएंगे। यहां क्या बोलूंगा, ये सारे के सारे एलिमेंट की क्या खास बात है, ऐसे बात करो जितने भी एलिमेंट नीचे, जितने भी एलिमेंट इन सभी के साथ रिलेट कर रहे हैं, छोड़ना नहीं है किसी को भी, नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी के साथ जो रिलेट कर रहे होंगे वो सारे के सारे लोअर बाउंड में आएंगे। बस समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस सेट का मुझे लोअर बाउंड निकालना है तो इस सेट के क्या खास बताओ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आप नीचे ढूंढो कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इन सभी के साथ रिलेट कर रहे हैं। जो जो एलिमेंट इस इन सब के साथ रिलेट कर रहा होगा ना वो पक्की बात है लोअर बाउंड में आएगा। बस समझ आ रही है, जैसे सपोज करो जैसे मैंने ये एक एलिमेंट पकड़ा, ठीक है, ये सी से बाहर है, मैंने ऐसे पकड़ लिया, ये इन तीनों के साथ रिलेट कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, भाई ये बाहर नहीं है, ये सी के अंदर है। बात समझ में थोड़ी सी और क्लियर हुआ,
ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है, आपको कुछ क्लियर होगा अगर मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज बहुत ध्यान रखना इन सब चीजों का, आपको कंफ्यूजन नहीं आने चाहिए किसी तरीके से। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल बेसिक सी बात याद रखनी है हमेशा। लास्ट टाइम बस एक बार और रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके मन में चीजें फिट हो जाए। ये सी अपर बाउंड होगा बी के लिए, कब? मैं क्या कहूंगा, यहां पे बैठे सारे के सारे आदमी किस किस एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं ऊपर, वो सभी अपर बाउंड में आएंगे। सिंपल बात मैं इतनी करता हूं, ये देखो ऐसे, ये देखो और सिंप्लीफाई करता हूं, ये देखो ये चार एलिमेंट है ना, ये देखो ये एक एलिमेंट मैंने बनाया, ये चारों के चारों इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो इन चारों के लिए ये अपर बाउंड में आएगा। एक और एलिमेंट पकड़ा, चारों के चारों इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो ये भी अपर बाउंड में आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं जिनसे ये सारे रिलेट कर रहे हैं, उनका एक सेट बना देना, वो हो जाएगा जी अपर बाउंड। अब पकड़ में आया? अच्छा, लोअर बाउंड के लिए मैं क्या कहूंगा, लोअर बाउंड के लिए ऐसे बोलूंगा, जैसे हमारे पास ये सेट है, ठीक है, ये मैंने चार एलिमेंट पकड़ दिए, ये सेट है। मैं क्या कहता हूं, मेरे को ना इनसे एक नीचे एलिमेंट मिलता है, उसकी क्या खास बात है ना, वो इन चारों के साथ लिंक हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, इन चारों का जब मैं लोअर बाउंड निकाल रहा हूं तो ये एलिमेंट लोअर बाउंड वाले सेट में जरूर होगा। फिर मैंने एक और एलिमेंट पकड़ा, उसकी क्या खास बात है, वो भी इन चारों के साथ लिंक हो रहा था, ठीक है, वो इन चारों के साथ रिलेट कर रहा था। डायरेक्शन याद रखना भाई, रिलेट कर रहा है, ये इन सब के साथ रिलेट कर रहा है, ये नहीं कर रहे, ये उन सब के साथ रिलेट कर रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये चारों इसके रिलेट नहीं कर रहे, ये इन चारों के साथ रिलेट कर रहा है। हाँ जी, अगर कर रहा है ना, तो मैं चुपचाप से क्या बोल दूंगा कि ये भी लोअर बाउंड में आएगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही इन सभी एलिमेंट्स का, जितने भी ऐसे एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, उन सब का एक सेट बना देना, वो लोअर बाउंड हो जाएगा इस पूरे सेट का, इन चारों एलिमेंट का वो लोअर बाउंड हो जाएगा नीचे वाला सेट। आई थिंक अब थोड़ा सा आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब बस ये हो गई थी हमारी डेफिनेशंस, अब मैं इनको वर्डिंग्स में लिख के दिखाता हूँ, फिर आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, आपके दिमाग में टेंशन खत्म हो जाएगी। चलो हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। हाँ जी, अब मैं डेफिनेशन लिख के दिखाऊंगा, हटा दूं। चलो देखो भाई, डेफिनेशन देखो, अपर बाउंड की और लोअर बाउंड की, ठीक है। हाँ जी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारे को क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली ये क्या क्या रही है। अब प्रॉपर डेफिनेशन देखो, मैं बोलता हूं इन अ पोसेट, इन अ पोसेट ए कॉमा आर अपर बाउंड ऑफ सेट बी, ब्रैकेट में लिख देना बी सबसेट ऑफ ए। बी की क्या खास बात है भाई, ऑब्वियसली बात है बी सबसेट होना चाहिए, अगर वो सबसेट नहीं तो फिर मैं कैसे ऐसे बी पकड़ के आ रहा हूं। ठीक है जी, हमारे पास एक पोसेट है ए कॉमा आर, अपर बाउंड ऑफ सेट बी इज सबसेट ऑफ ए, अपर बाउंड ऑफ सेट बी इज अ सेट सी, is a set C, bracket में देना C subset of A, obviously C भी subset होना चाहिए का, ऐसे थोड़ी किसी और को element को थोड़ी पकड़ लोगे, अगर C subset नहीं निकला A का, इसका मतलब C में कोई ऐसा element है जो कि A में नहीं है, तो फिर मैं ऐसे कैसे बात कर रहा हूँ मैं ना, जो A के अंदर के elements की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। हाँ, तो हमने क्या बोला, in a poset A, R, upper bound of set B, that is B subset of A, is a set C, C subset of A, such that, या if and only if for all x belong to B and for all y belong to C, x must be related to y. बस ये है हमारी डेफिनेशन अपर बाउंड के, बात समझ आई कि नहीं। देखो यहाँ पे मैं क्या कहने को कर रहा हूँ, for all B belong to C, for all x belong to B and for all y belong to C, जितने भी x हैं B को belong करते हुए, ये देखो जितने भी x हैं B को belong करते हुए, अपर बाउंड किसका निकाल रहे हैं हम, सेट B का निकाल रहे हैं, ये रहा हमारा सेट B, तो जितने भी x मिलते हैं, मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट की क्या खास बात होनी चाहिए भाई, यहां पे बैठे हर एक एलिमेंट के साथ लिंक होना चाहिए। डेफिनेशन समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, वो चीज तो मैंने लिखी है, यहां पे बैठा हर एक एलिमेंट मैंने x मान लिया, यहां पे बैठा हर एक एलिमेंट मैंने y मान लिया, तो ये हमारा सबसेट सी, ये हमारा सबसेट बी, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं यहां पे, हर एक एलिमेंट यहां पे बैठे हर एक एलिमेंट के साथ लिंक होना चाहिए, तो वो चीज तो मैंने लिखी है, क्या टेंशन है आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, मेरे ख्याल से क्या ज्यादा बोलूंगी इसके बारे में, ठीक है ना। तो आपको अब समझ में आ गई होगी, दिस इज द डेफिनेशन फॉर अपर बाउंड, ठीक है जी। अच्छा, अब जो चीज मैंने अभी लोअर बाउंड के बारे में बोलती वही बात मैं एकदम एक्जेक्टली मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। देखो लोअर बाउंड क्या होगा, हटा दो इस चीज को, आई थिंक समझ में आ गया सबको। हाँ जी, अब देखो भाई लोअर बाउंड, नो डाउट मैं टाइम लगा रहा हूँ, मैं बार बार समझा रहा हूँ, मैंने प्रीवियस दो वीडियोस में भी समझाया था आपको, एक एक घंटे के वो दो वीडियोस थे, एक एक घंटे से ऊपर ही थे, है ना, तो ये इतनी बेसिक बेसिक डेफिनेशन को समझाने में इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको आसानी हो जाएगी, लैटिस थ्योरी बहुत आराम से
केक वॉक की तरह मैं फटाफट भागता चला जाऊंगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस से टाइम लगा लो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगे चीजें। अच्छा जी, अब देखो भाई, अब लोअर बाउंड के डेफिनेशन में लिख रहा हूं, इन अ पो सेट, इन अ पो सेट ए कोमा आर एल बी ऑफ सेट बी, बी इज सबसेट ऑफ ए इज अ सेट सी, सी इज सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ। वीडियो को पॉज करो और अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करो क्या डेफिनेशन बनेगी। देखो, इफ एंड ओनली इफ, For all x belong to B and for all y belong to C, simple ulta, y must be related to x. That's it. देखो simple बात ऐसे समझो, LB of set B, ये देखो ये है set B, lower bound of set B is a set C, है ना, is a set C such that for all x belong to B and for all y belong to C. यहाँ पे बैठे हैं x और यहाँ पे बैठे हैं y, और हम क्या कह रहे हैं भाई, y must be related to x, हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो बिल्कुल वही चीज, बिल्कुल वही, बस थोड़ा सा घुमा दिया और क्या किया, यहाँ पे x related to y था, यहाँ पे y related to x हो गया और क्या, है ना, और वो यहाँ आई थिंक समझ पा रहे होगा आप लोग, मैं क्या ज्यादा बोलूँगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कुछ, है ना, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, मैं यहाँ पे क्या कंफ्यूज करूँ, आराम से चलाओ वीडियो को, पॉज करो, नोट डाउन करो और आराम से इसको चला के देखो, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, जो मैंने बोला था बस वैसी डेफिनेशन आपको लिख के दिखा दी, ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। अच्छा जी, अब बस साथ साथ वो ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे और हमारा काम खत्म, फिर आपके दिमाग से टेंशन ही सारी खत्म हो जाएगी। देखो भाई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, हटा दो इस चीज को। हाँ जी, अभी मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, नो डाउट एग्जाम्पल दूंगा और क्लियर हो जाएगा, बट थोड़ा सा साथ साथ डेफिनेशन पहले समझ लो, फिर हमारा काम फिर खत्म हो जाएगा ना, बेसिक थ्योरी हमारी क्लियर हो जाएगी, फिर क्वेश्चन करना तो एक मिनट की बात है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात रहती ही नहीं है। अच्छा जी, पहली बात तो समझो भाई, जीएलबी क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को पहले बात तो ये ध्यान रखना, हम लोग बोलते हैं मीट, मीट भी बोलते हैं और इनफिमम भी बोलते हैं, इनफिमम, ठीक है, क्यों बोलते हैं मैं भी क्लियर करूंगा इसको। अच्छा जी, और लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड को हम लोग ज्वाइन भी बोलते हैं और सुप्रीमम भी बोलते हैं। ये नाम याद रखना भाई, कई बार गेट एग्जाम में आ जाती है, आपको कंफ्यूज ना कर दे, इसलिए मैंने साथ साथ बोल दिया। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को मीट और इन्फिमम भी कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड को ज्वाइन और सुप्रीमम भी कहते हैं। अच्छा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नाम से समझो क्या मतलब होगा, आपने जो भी लोअर बाउंड निकाला है ना, जो भी लोअर बाउंड निकाला है, उस लोअर बाउंड में आप ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकाल के दे दो, आपका काम खत्म, बस कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं क्या बोलूं इसके बारे में, बिल्कुल बेसिक से समझ आ चुका होगा आपको, लोअर बाउंड एक सेट था ना, बस उस सेट में से आपको ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकाल के बताना है, आप ऐसे बता दोगे, है ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ग्रेटेस्ट निकालना आता ना, इसका मतलब क्या होगा भाई, उस सेट में क्या होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ लिंक होने चाहिए, अगर सारे सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ लिंक या रिलेट कर रहे हैं तो हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, बस वो हो जाएगा हमारे पास क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। बात समझा रहे कि नहीं आ रही, देखो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, देखो अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझो, देखो ये हमारे पास कोई सेट बी था, कोई सबसेट बी था पो सेट ए का, और ये हमारे पास सेट सी, कोई सबसेट सी था पो सेट ए का, तो मैंने बोल दिया कि ये सेट सी इज द लोअर बाउंड फॉर सेट बी, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैठा हर एक एलिमेंट यहाँ पे बैठे हर एक एलिमेंट साथ लिंक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, सबसेट सी इज लोअर बाउंड फॉर सबसेट बी। अच्छा, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, लोअर बाउंड आपके पास रेडी है ना, बस अब इस सेट में से आपको ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकाल के बताना है, क्या मतलब होगा ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ऑब्वियसली बात है यूनिक होगा अगर एग्जिस्ट करता होगा, क्या पता एग्जिस्ट ना भी करे, लेकिन अगर एग्जिस्ट करता होगा तो क्या खास बताओगे भाई, वो यूनिक होगा, और यूनिक होगा तो और उसकी क्या खास बताओगे, जैसे ये देखो ये एलिमेंट अगर मैं बोलता हूँ कि ग्रेटेस्ट है, तो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी इससे रिलेट करने चाहिए, ठीक है, तो अपर बाउंड में मैंने थोड़े छोटे छोटे डायग्राम बनाया, प्लीज आपने समझ लेना, मतलब सबको साथ मैंने एरो बना दिया इसके लिए, ठीक है, ये एक एलिमेंट है तो ये हो जाएगा जी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, तो लोअर बाउंड ने नहीं बोला कि सी में एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है, इनको कोई मतलब नहीं, लोअर बाउंड में बस हम सेट बना के आ जाएंगे हमारा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर बाय चांस उन जो हमारा सेट सी है उसमें एलिमेंट्स में कुछ रिलेशन है, मतलब इन द सेंस कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसके सभी के सभी आके रिलेट कर रहे हैं, मतलब वो ग्रेटेस्ट है, तब मैं बोल दूंगा कि वो क्या हो जाएगा भाई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, नाम से समझ में आ रहा होगा भाई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट को मैंने लिंक कर दिया, हमारा काम खत्म, क्या बोलूं इसके बारे में, आप समझ चुके होंगे, है ना। अच्छा जी, सिंपल बात, अब वही बात है, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड जॉइन है सुप्रीमम, इसका मतलब क्या होगा भाई, ये देखो अपर बाउंड आपने निकाल रखा है ना, बस अपर बाउंड में से आपको लीस्ट एलिमेंट खोज के लाना है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं वही बात कहूंगा, ये देखो जैसे ये हमारा सेट बी है और ये हमारा सेट सी है, ये सेट बी सबसेट है पोसेट ए का, और ये पोसेट ए कोमा आर का सबसेट है बी, है ना, और ये पोसेट ए कोमा आर का सबसेट है सी,
हाँ जी, तो क्या खास बात है भाई, यहाँ पे बैठा हर एक आदमी, यहाँ पे बैठे हर एक आदमी के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है जी। तो ये सबसेट सी क्या हो गया भाई, अपर बाउंड हो गया फॉर दिस सबसेट बी। सेट सी विल बी अपर बाउंड फॉर दिस सेट बी, सेट सी विल बी अपर बाउंड फॉर दिस सेट बी, ठीक है। और इस अपर बाउंड में अब हमारे को मतलब नहीं था कि इनमें क्या रिलेशन चल रहा है आपस में, इनका क्या लड़ाई झगड़ा है, क्या है क्या नहीं, हमारे को इस घर में घुसने की जरूरत नहीं है, हमारा बस काम खत्म था अपर बाउंड के केस में। बट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड क्योंकि मुझे चाहिए, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि ये जो आपने अपर बाउंड बनाया है ना, इसमें अब आपको अंदर घुस के देखना पड़ेगा, कोई लीस्ट एलिमेंट निकालना पड़ेगा, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट निकालना पड़ेगा जो कि इन सब के साथ रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। रफली मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है ना, मतलब ये देखो ये सेट सी था ना, कोई एक ऐसा एलिमेंट आपको खोज के देना पड़ेगा जो कि इन सब के साथ रिलेट कर रहा होगा, मतलब इस घर में आपको कपूत ढूंढना पड़ेगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, अपर बाउंड के लिए मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, मेरे को इस घर में घुसना नहीं पड़ता था, कौन कपूत है कौन सपूत है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, अभी भाड़ में जाइए, बस मेरे को चाहिए था, मेरे को मिल रहे थे एलिमेंट्स, मेरा काम खत्म था, मेरे को एक घर मिल गया, हमारा काम खत्म था बस। अब अगर आपको लीस्ट अपर बाउंड निकालना है तो इस घर में जाके आपको ढूंढना पड़ेगा कौन कपूत है, अगर कोई कपूत मिलता होगा तो हमारा काम खत्म है, नहीं तो नहीं बात बनने वाली, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। ऐसे ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का केस था, उसमें हम क्या कह रहे थे भाई, हमारे को मतलब ये देखो ये सेट सी मिल गया जो कि लोअर बाउंड था, इस घर के अंदर हमें कुछ नहीं जरूरत, हमारे को घर मिल गया ना, हमारा काम खत्म है। अब इस घर में से मुझे ग्रेटेस्ट एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करनी थी, मतलब कोई इस यू कैन से कॉलेज आया, इस कॉलेज में मेरे को ईगो वाली सुंदर लड़की ढूंढनी है, अगर मैं ढूंढने में कामयाब हो गया तो मेरा काम खत्म, नहीं तो नहीं, समझ पा रहे, नहीं तो वही बात है, घर बना बना के काम खत्म करो, दैट इज अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अब इस घर के अंदर घुसना पड़ेगा, तब कब घुसना पड़ेगा, जब हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहिए या लीस्ट अपर बाउंड चाहिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैं इससे ऊपर और नहीं बोल सकता, आपको क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके जी, अच्छा जी, वही बात है, लीस्ट अपर बाउंड पता नहीं एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो तो डिपेंड करेगा, है ना, मतलब वही बात है, इस घर में अपर बाउंड तो मिल गया है लेकिन इस घर में कोई लीस्ट एलिमेंट मिलता है नहीं मिलता, वो हमारी किस्मत पर डिपेंड करेगा, या यू कैन से क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, मिल रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम काटा लगा के भाग जाएंगे, मतलब कोई जरूरी नहीं कि लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा नहीं मिलेगा, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और इनफैक्ट ये भी कोई जरूरी नहीं होता कि अपर बाउंड मिले या मिले या लोअर बाउंड मिले ही मिले, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ एक बात ऑब्वियस है, अगर आपको लोअर बाउंड ही नहीं मिला तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहाँ से मिलेगा, ऐसे ही अगर आपको अपर बाउंड नहीं मिला तो लोअर बाउंड कहाँ से मिलेगा, है ना। बट ये चीज है, लोअर बाउंड मिल गया बट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं मिला, दिस इज पॉसिबल, ऐसे अपर बाउंड मिल गया बट लीस्ट अपर बाउंड नहीं मिला, दिस इज पॉसिबल, है ना, आई थिंक कॉमन सेंस की बात है भाई, मैं क्या बोलूँ आपको, अपने आप से समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने कोशिश कर रहा हूँ। बस अब मेरे ख्याल से आप तैयार हो चुके हो क्वेश्चंस के लिए, मैं क्वेश्चंस कराता हूँ फिर आपके एकदम सारे सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। साइड में रहो, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूँ मैं इसको, और अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ना क्वेश्चंस करते टाइम आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि थ्योरी पढ़ाते टाइम मैंने लगभग आधा घंटा लगा दिया है ना, आधे घंटे में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं, थ्योरी सीखी है, डेफिनेशन सीखी है, तो अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप एक झटके में पकड़ोगे। देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल सिंपल, ये देखो जैसे हम ये लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ऐसे डायग्राम है, इसमें है जी ए बी सी और डी, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ अपर बाउंड बताओ एक सेट ए की, वेयर ए इज बी कॉमा सी, ठीक है, समझ पा रहे हो, जैसे मैं बोलता हूँ ये हमारे पास ऐसे डायग्राम है ना, वो सेट है, सपोज कर लो, चलो अच्छे से मैं लिखता हूँ, देखो वो सेट है ए कोमा आर, ठीक है, और इसके लिए हमने ये हैसे डायग्राम बना रखा है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ अब अपर बाउंड ऑफ सेट बी बताओ, वेयर बी सेट इज नथिंग बट बी कॉमा सी, ठीक है, दो एलिमेंट है इनका हमें अपर बाउंड बताना है, तो बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, देखो ऐसे समझो, ये बी और सी बताओ ऊपर किस किस एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है बी और सी सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, दैट इज डी, दोनों को रिलेट करना है, किसी को छोड़ना नहीं, ठीक है, बी और सी दोनों डी से, देखो बी डी से रिलेट कर रहे हैं ना, क्योंकि बी से डी के लिए ऊपर रास्ता जा रहा है, सी रिलेट कर रहे हैं ना डी से क्योंकि सी से ऊपर रास्ता जा रहा है डी के लिए, मैंने बहुत बार आपको समझाया कौन रिलेट कर रहा है कौन रिलेट कर रहा है, ऐसे डायग्राम में कैसे पता लगा देते हैं, ऊपर ऊपर पाथ होना चाहिए, जैसे ए से डी, ए और डी आपस में रिलेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर ऊपर जाके हम डी तक पहुंच पा रहे हैं, ए से डी ऊपर ऊपर चल के पाथ है, एंड सो आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है जी, तो बी और सी दोनों डी से रिलेट कर रहे हैं, तो ठीक है जी, अपर बाउंड ऑफ बी विल बी डी ओनली, क्योंकि सेट होता है तो इसलिए मैं सेट फॉर्मेट में डी लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब प्लीज अब आप आराम से समझ पा रहे होगे, अगर मैं आपसे पूछता लीस्ट अपर बाउंड बताओ भाई, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी, ऑब्वियस ही बात है जब एक ही एलिमेंट है डी तो वही हमारा लीस्ट हो गया, है ना, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अगर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ना इसमें
बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो फिर मेरे को सोचना पड़ता लिस्ट कौन सा है एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे को कोई टेंशन नहीं, जब एक ही एलिमेंट है तो वही लिस्ट होगा ना। लिस्ट का मतलब क्या होता था भाई, ये सबसे जाके रिलेट करेगा, ठीक है जी। तो डी इस सेट में डी है और डी डी से रिलेट कर रहा है, तो बस डायरेक्टली इंडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, डी सबसे रिलेट कर रहा है सेट के अंदर, हमारी बात वही खत्म। और सिंपल क्या बोलो, आप समझ पा रहे होंगे, तो लिस्ट अपर बाउंड विल बी डी ओनली, क्योंकि वो यूनिक होते तो सेट फॉर्मेट में लिखना, हम ऐसे सिंपल लिख के भाग जाएंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, आप देखो मैं आपसे पूछता, लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट बी विल बी इक्वल टू व्हाट, क्योंकि एक सेट होगा लोअर बाउंड इसलिए हमने नीचे लिखा, मतलब सेट की फॉर्मेट में लिखना है, बताओ अभी कौन सा होगा। भाई देखो कहां नीचे कौन मीट कर रहा है, मतलब सिंपल सी बात भाई, बी और सी दोनों किस एलिमेंट से नीचे रिलेट हो रहे हैं, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट बताओ जो कि बी और सी दोनों से रिलेट कर रहा हो। प्लीज याद करो, मैंने अभी आपको थोड़ा डेफिनेशन दिया, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। सिंपल बात, कोई एक ऐसा एलिमेंट नीचे मुझे बताओ, बी और सी से नीचे बताओ, जो कि इन दोनों से रिलेट कर रहा है, छोड़ना नहीं किसी को भी, इन दोनों से कौन रिलेट कर रहा है बताओ भाई। एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इन दोनों से रिलेट कर रहा है, तो लोअर बाउंड ऑफ बी विल बी ए, ठीक है, और कोई एलिमेंट नहीं आने वाला। अब वही बात है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमें चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट बी, दैट विल बी ऑब्वियसली ए ओनली, है ना, क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट हमें चाहिए होगा, सेट में एक ही एलिमेंट है तो वही हमारा ग्रेटेस्ट है, वही हमारा लिस्ट है, आपको पहले से पता है, मैंने काफी बार एक्सप्लेन कर रखा है, तो ठीक है जी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड विल बी ए। अब इसको सेट फॉर्मेट में नहीं लिखना क्योंकि ये यूनिक होता है, अगर हुआ तो यूनिक होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वही बात है, जैसे सेट में ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वही बात है, ये हमारा सेट है, इसमें हमारे को ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल रहा है तो हमने लिख दिया, है ना, और वो होगा यूनिक ही। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा अब एक बात याद कराओ, मैंने कुछ समझाया था ना, लीस्ट अपर बाउंड को हम लोग क्या कहते हैं भाई, हम लोग कहते हैं ज्वाइन और सुप्रीमम। देखो सुप्रीमम क्यों कह रही है, तो समझ पा रहे हो, सुप्रीमम मतलब ऊपर है, ये सुप्रीम है इन दोनों से, बी और सी से सुप्रीम है ये, इसलिए मैंने इसको सुप्रीमम कह दिया, ये तो समझ में आ रहा होगा। ज्वाइन कहने का मतलब क्या है, ज्वाइन कहने का मतलब बस सिंपल है, ऐसे समझो, देखो अगर आप किसी को ज्वाइन कर रहे हो ना, तो एक किस्म से मैं जैसे याद रखता हूँ, मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, मेरा एक स्टाइल है, बाकी जो आपको मन करे आप ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा ज्वाइन किसको कहते हैं, मीट किसको कहते हैं, कल को आप कंफ्यूज हो गए। देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम लोग क्या कहते हैं भाई, मीट भी कहते हैं और इन्फिमम भी कहते हैं, ठीक है। इन्फिमम आपको याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे आ रहे हैं ना हम लोग, इन्फीरियर, इन्फिमम नीचे आ रहे हैं इसलिए इसको इन्फिमम कह रहे हैं, सुप्रीमम क्योंकि ये ऊपर जा रहे हैं इसलिए सुप्रीमम कह रहे हैं। अब ज्वाइन और मीट का क्या लॉजिक है, वैसे थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा, जैसे आपको कहते हैं कि ज्वाइन विद मी फॉर अ डिनर, तो आप सिर उठा के जाओगे ना, अच्छा मेरे को उसको ज्वाइन करना है डिनर पे, है ना, या फिर ज्वाइन ज्वाइन विद मी ऑन कॉफी एंड सो ऑन, जैसे कुछ भी बात करते हैं सिंपली ज्वाइन विद मी, या कोई घर जा रहा है ऑफिस से, आप कहोगे यू कैन ज्वाइन विद मी, आई कैन ड्रॉप यू टू योर होम, तो आप सिर उठा के चलोगे, हाँ जी ठीक है, वो तो अपने को स्पेशल मेरे लिए थोड़ी जा रहा है, आप घर जा ही रहे, रास्ते मेरे को ड्रॉप करता जाएगा, तो आपको कह रहे ज्वाइन विद मी, है ना, तो इसलिए हम लोग ज्वाइन करके चल रहे हैं, तो सिर उठा के मतलब ऊपर, तो ऐसे यही ज्वाइन वाली बात हो गई। ऐसे मैंने अपना स्टाइल बना रखा है, जैसे आपका मन करे वैसे याद कर सकते हो। मीट नीचे क्यों कह रहे हैं ये समझो, ये आप खड़े हो और ये आपका बॉस खड़ा है, बॉस आपको धमका रहा है, मीट मी इन माई ऑफिस, आपका सिर झुक जाएगा ना, और नीचे जाने की कोशिश करोगे, समझ पा रहे हो कि नहीं, सिर झुका के जाओगे ना उसके ऑफिस में, बॉस क्या कहेगा, मीट मी इन माई ऑफिस, तो वो आपको ऑर्डर दे रहा है और आपको थोड़ा सा झुकाने की कोशिश कर रहा है, और आप झुक के उसके पास जाओगे भी, आपको अपनी जॉब प्यारी है, तो वही चीज है यहाँ पे, मीट इसलिए नीचे, ठीक है, इसलिए ये नीचे, तो मीट मतलब सिर झुकाना है, ज्वाइन मतलब सिर उठाना है, ऐसे आप याद रख सकते हो, मैंने ऐसे याद रखा, बाकी जैसे आपका मन करे वैसे याद रख सकते हो, तो आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है जी। लीस्ट अपर बाउंड, देखो अपर बाउंड है तो इसलिए ऊपर तो जाना ही जाना है ना, और लीस्ट निकाल रहे हैं, है ना, तो इसलिए इसको ज्वाइन कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ज्वाइन कर रहे हैं ये, है ना, ऊपर सिर उठा के जा रहे हैं, और मीट मतलब सिर झुका के नीचे आ रहे हैं, इसलिए मीट, अब आपको याद रहेगा अच्छे से, तो ऐसे ऊपर जाना ज्वाइन, ऐसे नीचे आना मीट। अब काफी टीचर्स ना ऐसे बोल के भाग जाएंगे, ये ज्वाइन हो गया, ये मीट हो गया, एंड काम खत्म हो गया, बट नहीं, थोड़ा सा ना मैं चीजों को डिटेल में समझाऊंगा, मैं ऐसे, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती अगर मैं डीप में ना जाऊं तो, है ना, ऐसे रफली में बोल के भाग सकता हूँ, बट थोड़ा सा मैं आपको वो डिटेल समझाता हूँ। देखो अगर मैं आपको बोल देता हमारे पास सेट सी है, ठीक है, सेट सी है, सेट सी में है जी ए बी और सी, ठीक है, अब मैं आपको बोल दूं कि आप मुझे बताओ अपर बाउंड, ठीक है, अपर बाउंड ऑफ दिस सेट सी विल बी इक्वल टू व्हाट, अब आपको क्या करना है, ये ए बी और सी ऊपर जाके देखना, ये ए बी और सी तीनों किस किस एलिमेंट के साथ मीट कर रहे हैं। देखो ए डी के साथ मीट कर रहा है, बी भी मीट कर रहा है, मतलब रिलेट कर रहा है, सॉरी अच्छे से बोलते हैं, तो ए बी और सी तीनों किसके साथ जाके ऊपर डी से, मतलब किससे जाके ऊपर रिलेट कर रहे हैं, ए बी और सी तीनों किसके साथ जा जाके रिलेट कर रहे हैं, उन सबके हमें नाम लिखने होंगे। तो ए देखो भाई डी के साथ रिलेट कर रहा है, ऊपर पास जा रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, तो ठीक है जी डी आ जाएगा हमारे पास, है ना, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। अच्छा और कोई आ रहा है, और कोई नहीं आ रहा, आप समझ पा रहे हो, तो अपर बाउंड ऑफ सी विल बी इक्वल टू
डी ओनली, ठीक है। तो वही बात आएगी भाई, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड आप क्या बोलोगे भाई, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट सी दैट विल बी इक्वल टू, सी इज व्हाट, सबसेट ऑफ ए, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ये सेट ए है उसमें ए बी सी डी है, तो उसमें से हमने एक सबसेट सी उठा लिया जिसमें हमने ए बी सी लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अपर बाउंड लोअर बाउंड ये किसी सबसेट के लिए होते, तो वही हम सबसेट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो बताओ भाई लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट सी विल बी ऑब्वियसली डी, क्योंकि ए के एलिमेंट है तो वही लिस्ट है, सीधी सी बात है, आप समझ पा रहे हो ना, इसको सेट फॉर्मेट में मत लिखना। अच्छा जी, उसके बाद फिर लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट सी विल बी इक्वल टू वन, ए बी और सी बताओ तीनों आके किससे नीचे मीट कर रहे हैं, नीचे प्लीज। अभी आप ऐसे मत बोल देना नीचे तो कोई है ही नहीं, तो किसी से मीट नहीं करे तो बात नहीं बनने वाली, नहीं ऐसे सोचो। देखो बी ए से आके मीट कर रहा है, मतलब बी ए से आके, वही बात है, पता नहीं क्यों मेरे मन में मीट मीट आई जा रहा है, ऐसे मत बोलो, रिलेट ऐसे समझो, ठीक है। तो लोअर बाउंड ऑफ सेट सी मतलब ये ए बी और सी नीचे देखना है किससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। मतलब नीचे से कोई एलिमेंट पकड़ो जो कि इन तीनों से रिलेट कर रहा हो, वो होगा हमारा, याद है कि नहीं। ये देखो मैंने पूछा था, ये तीन एलिमेंट है ये सेट सी में है, तो आपको नीचे देखना है कोई एलिमेंट ऐसा जो कि इन तीनों से रिलेट कर रहा हो, कोई नीचे एलिमेंट ऐसा मिल गया ना जो इन तीनों से रिलेट कर रहा है, हमारी बात खत्म, हम बोल देंगे। और वो आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, नीचे तो कोई है नहीं तो हमारी बात खत्म होगी, हम बात नहीं कर पाएंगे, नहीं ऐसे नहीं सोचना, ऐसे सोचना। देखो ए की बात करो, ए ए की क्या खास बात है भाई, ए ए से भी रिलेट कर रहा है ना, ए बी से भी रिलेट कर रहा है और ए सी से भी रिलेट कर रहा है, आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आराम से देखो प्लीज, ये जल्दबाजी में गलती नहीं कर देनी, ठीक है। ए की क्या खास बात है, देखो ए खुद से तो ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगी होगी, पोसेट है, पोसेट है तो पार्शियल रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक और ट्रांसिटिव रिफ्लेक्सिव है तो है ही है, मतलब ए ए से तो रिलेट कर ही रहा है, ए से रिलेट कर रहा है, ए बी से भी और ए सी से भी कर रहा है। आप सब कुछ मारो गोल, ऐसे बात करो, मेरे को एक ऐसा एलिमेंट ए मिल गया है ना जो कि इन तीनों से, जो सी सेट था उसमें जितने भी एलिमेंट थे उन तीनों से रिलेट कर रहा है ना ए, हमारी बात खत्म, हम क्या बोल के भागेंगे जी, लोअर बाउंड ऑफ सेट सी विल बी ए, ठीक है। अब वही बात आएगी जी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट सी विल बी ए ओनली, ठीक है, क्योंकि ए के एलिमेंट है तो वही ग्रेटेस्ट होगा, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, तो प्लीज ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती मत कर देना, नीचे कोई नहीं आता तो बात नहीं बनने वाली, ऐसे नहीं, ध्यान से कोशिश करना सॉल्व करने की, थोड़ा सा समझ में आया। ओके अब एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, थोड़े और अंदाजा होगा आपको, थोड़ा और ब्यूटीफुल वे से समझ में आएगा। तो मेन बात क्या है, छोड़ना नहीं है ना, खुद को नहीं छोड़ना है ना, ये तो था ही था इसलिए उसको तो आप नहीं छोड़ सकते फिर, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके हटाओ मैं इसको, आपने कर लिया होगा नोट डाउन, हटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो वही समझ में आ गया ना सबको, मीट क्या है, ज्वाइन क्या है, क्यों कह रहे हैं हम लोग, एंड सो ऑन, ठीक है। चलो आगे मैं बढ़ रहा हूँ, हटा रहा हूँ मैं। हाँ जी, अब देखो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल था, इससे आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी आ जाएगी काम में, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने बनाया, ऑफकोर्स मैं सारा कुछ एक ही लेक्चर में तो क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मैं एक वीडियो इस पे और बनाऊंगा, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद फिर आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर, आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे मैक्सिमल क्या है, मिनिमल क्या है ना, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, सब एकदम ये जो आठों के आठों है ना ये क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, एक वीडियो में और बनाऊंगा, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं बेसिक बेसिक चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कुछ ना। हाँ जी बोलो भाई, अब मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ, जैसे ये सेट ए और एक रिलेशन आर, ये सेट ए था उसमें ये एलिमेंट थे ए बी सी डी ई एफ जी, सेवन एलिमेंट्स थे, ठीक है जी, और रिलेशन आर थी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जिसके कारण हमने हैशेड डायग्राम बना रखा है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, अब मैं आपसे क्या पूछता हूँ, मैं एक सेट लेता हूँ बी, उसके अंदर एलिमेंट्स है जी बी कॉमा सी, ठीक है। मैं अब आपसे पूछता हूँ अपर बाउंड ऑफ दिस सेट बी विल बी इक्वल टू व्हाट, सेट फॉर्मेट में लिखना क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, बोलो भाई बी और सी बताओ, ऐसी बात करनी है आपको, क्या करना है, क्या देखना है आपको, बी और सी देखो ऊपर किस किस से रिलेट कर रहे हैं, छोड़ना किसी को भी नहीं है, बी और सी दोनों किस किस से रिलेट कर रहे हैं, ऊपर ढूंढो कौन कौन है भाई। देखो बी और सी, आप देखो बी से डी का पाथ है, सी से ऑब्वियसली देखो बी से डी है ना जा रहे हैं ना, तो बी डी से रिलेट कर रहा है, सी बी डी से रिलेट कर रहा है, ऐसे ही बी ई से भी रिलेट कर रहा है, ऊपर ऊपर पाथ है, सी बी ई से रिलेट कर रहा है, ऊपर ऊपर पाथ है, एफ से भी और जी से भी आप सब चेक कर सकते हैं। तो अपर बाउंड ऑफ सेट बी विल बी इक्वल टू व्हाट, डी ई एफ और जी, ये चारों के चारों एलिमेंट आएंगे भाई अपर बाउंड ऑफ बी सेट में, ठीक है, बी सेट में बी और सी एलिमेंट, ऑफ कोर्स बी सबसेट ऑफ दिस सेट ए, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो एक हमने अपर बाउंड ऑफ सबसेट ऑफ पोसेट ए हमने ले लिया है, वो सबसेट बी था और उसके लिए हमने बता दिया आपको डी एफ जी आ रहा है। अच्छा प्लीज बहुत ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट एच बना दूं तो अब आप अपर बाउंड में एच को कंसिडर करोगे कि नहीं, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था बी और सी दोनों रिलेट करने चाहिए, ऊपर किस किस एलिमेंट से वो लिखने हैं, तो सी तो एच से रिलेट कर गया बट बी तो एच से रिलेट नहीं कर पाया तो एच नहीं आएगा,
सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आई एक एलिमेंट ले लेते, इसके बारे में बोलो क्या ख्याल है, नहीं कंसिडर करना, क्यों, बी तो रिलेट कर गया बट सी तो रिलेट नहीं कर पाया। हाँ अगर सी से आई तक एच चले, देखो सी क्यों रिलेट कर पाया, इसे ऊपर पर चल के बात बताओ ना, ऊपर पर चल के आई तक कैसे पहुंचोगे, नहीं पहुंच सकते, सी से बी तक ही रास्ता नहीं है सी, तो फिर आई तक आप कैसे पहुंचोगे, आई थिंक समझ पा रहे हो, नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है जी। ओके जी, तो प्लीज आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो सी और आई अगर आपस में रिलेट कर रहे होते, मैं यहाँ से यहाँ एक एज डाल देता तो फिर मैं आई को भी कंसिडर यहाँ पे करता, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों को देखने के लिए छोड़ना नहीं किसी को भी, ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है जी। तो अपर बाउंड ऑफ बी विल बी डी एफ जे। अच्छा जी, अब आप जरा मुझे समझाओ, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट बी विल बी इक्वल टू व्हाट, लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड के लिए अब मेरे को, मैंने आपको समझाया था ना कि तो घर बन गया भाई, घर में कौन कौन है, हमारे को टेंशन वाली बात नहीं है, लीस्ट अपर बाउंड के लिए आपको देखना पड़ेगा इस घर में, लीस्ट का मतलब क्या होता था, कपूत, कौन है कपूत, मतलब इसके अंदर जाके सेट के अंदर देखना पड़ेगा कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा, मतलब कौन कैसे रिलेटेड है वो हमें देखना पड़ेगा। बोल भाई डी ई एफ जी कैसे रिलेट कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है यहीं से ही देखते ही, ये देखो ये है जी डी ई एफ और जी। तो अब आपको आराम से समझ में आ रहा है भाई जी की क्या खास बात है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे जी के आगे झुक रहे हैं, दैट इज द ग्रेटेस्ट। और डी की क्या खास बात है भाई, डी सबसे कपूत है, डी कपूत क्यों है, क्योंकि ये सबसे जाके मिल रहा है लेकिन कोई भी इससे आके मिलना नहीं चाह रहा, और हमारे को लीस्ट एलिमेंट चाहिए था, तो डी इज आवर लीस्ट एलिमेंट, तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी विल बी डी। बात समझ आई कि नहीं आई, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में, तो वही बात है अपर बाउंड निकाला और उसमें से लीस्ट एलिमेंट निकाल के मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब वही बात आएगी लोअर बाउंड बताओ भाई, लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट बी विल बी इक्वल टू व्हाट, बी और सी है इसमें, लोअर बाउंड बताओ भाई, आई थिंक आपको देखते समय आ रहा होगा ओनली एलिमेंट ए, ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑब्वियसली जब सेट में एक ही एलिमेंट है तो वही ग्रेटेस्ट हो जाएगा और क्या, ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा अब देखो एक बड़ी ब्यूटीफुल सी बात, एक डाउट आपके मन में आ सकता है, डाउट क्या आएगा कि सर बी और सी ये दो एलिमेंट्स थे है ना, इसका नाम हमने सेट बी रखा था, तो हमने एक सबसेट सी उठाया जिसमें डी ई एफ जी आए थे, ये चार एलिमेंट आए थे और ये बी और सी के लिए ये अपर बाउंड थे, ठीक है, प्लीज ध्यान से समझना मैं क्या बोलूंगा, ये गलती आज नहीं तो कल आपसे होगी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन मिलती जुलती है ना जो आपको कंफ्यूज करती है। हाँ जी, तो ये जो सेट सी है ये अपर बाउंड है सेट बी के लिए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सेट सी अपर बाउंड है सेट बी के लिए, तो सेट सी का लोअर बाउंड सेट बी है, क्या मैं बोल दूं ऐसे, सेट सी के लिए लोअर बाउंड है सेट बी, क्या मैं ऐसा बोल दूं, नहीं बोल सकता भाई, नहीं बोल सकता, प्लीज ये गलती मत कर देना, सेट बी के लिए नो डाउट सेट सी अपर बाउंड है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि सेट सी लोअर, सेट सी का लोअर बाउंड सेट बी होगा, नो डाउट जो एलिमेंट सेट बी में है वो लोअर बाउंड में आएंगे, लेकिन इसके अलावा भी तो और एलिमेंट्स आ सकते हैं, आप उनको कैसे रोकोगे, मैं दिखाता हूं आपको तो आपको समझ में आएगा, मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, लो लोअर बाउंड ऑफ सेट डी ई एफ जी, मैं लिखता हूं ये लो सेट सी है हमारे पास डी ई एफ और जी, अब मैं आपसे पूछता हूं लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट सी विल बी इक्वल टू व्हाट, बताओ भाई लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट सी, सेट सी में कौन कौन है भाई, डी ई एफ जी, बोलो भाई, कंफ्यूजन कंफ्यूजन ना आए इसलिए मैं इनको बीच में से हटा देता हूं, आपको ये थोड़ा सा परेशान करेंगे, वैसे फर्क नहीं पड़ता बट वही बात है, दिक्कत ना करें आपको इसलिए मैं हटा देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा अभी क्रिस्टल क्लियर रखना ना काम, इसलिए हम नहीं करना चाहते कुछ भी बीच में गड़बड़ घोटाला, बाद में करूंगा, अभी नहीं, बहुत घोटाले करूंगा मैं, बहुत कुछ कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी बोलूंगा ना ज्यादा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, अभी काम बेसिक रखो, अभी तो डेफिनेशन भी मुझे लग रहा है आपके दिमाग में अच्छे से नहीं घुसी होगी, डेफिनेशन घुसी है तो क्वेश्चन मेरे आराम से कर पा रहे हो, बट फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं क्योंकि मैं आपकी शक्लें नहीं देख पा रहा, अगर आपकी शक्लें देख पा रहा होता तो मैं झटके बता देता, हाँ जी किसको क्लियर हो रहा है किसको नहीं हो रहा है, 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था ना मैं एक झटके में बताता था इसको समझ में आ रहा है और इसको समझ नहीं आ रहा है, मेरे को एक झटके में समझ में आ जाता था, देखते ही मैं बच्चे की शक्ल देख के बता देता था कौन समझ रहा है और कौन नहीं समझ रहा है, ठीक है, हाँ तो अब वही बात है, मैं आपकी शक्ल तो देख नहीं पा रहा जो मैं बता सकूं, तो इसलिए मेरे को धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, तो ठीक है मैं अभी बहुत ज्यादा डीप में बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज होगे, अभी सिंपल समझो लोअर बाउंड ऑफ सेट सी विल बी इक्वल टू व्हाट, बताओ भाई, मतलब सिंपल बात लोअर बाउंड ऑफ सेट सी का मतलब क्या होगा भाई, डी ई एफ जी ये चारों के चारों नीचे देखो किससे रिलेट कर रहे हैं, मतलब नीचे आपको ढूंढने कोई ऐसे एलिमेंट जो कि इन चारों से रिलेट कर रहे हैं, वो एलिमेंट सारे लोअर बाउंड में आएंगे, सिंपल बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये चार जो एलिमेंट है ना नीचे देखो इनसे कौन कौन से एलिमेंट है जो इन चारों से रिलेट कर रहे हैं वो लोअर बाउंड में आएंगे,
नीचे देखने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ई एफ जी इनको तो छोड़ दो, डी सबसे नीचे है ना, तो आप पहले डी की बात करना। देखो डी आप पकड़ो, डी की क्या खास बात है भाई, देखो डी की क्या खास बात है, वो डी से रिलेट हो रहा है क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, डी ई से रिलेट हो रहा है दिख रहा है आपको, एफ से रिलेट हो रहा है और जी से रिलेट हो रहा है, तो क्यों नहीं आएगा लोअर बाउंड में मुझे बताओ, एक छोटा सा रीजन दो कि क्यों नहीं आएगा। ये गलतियां एग्जाम में बैठे बैठे आपसे होंगी, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ। डी लोअर बाउंड में आएगा, इसको छोड़ना नहीं है भाई, प्लीज मत छोड़ देना, ये गलती मत कर देना, तो डी लोअर बाउंड में आएगा। अच्छा और बोलो भाई, अब आपको देखते नजर आ रहा है, देखो बी, बी से डी का रास्ता है, ई का, एफ का, जी का, ऊपर का पाथ है ना, तो ठीक है जी, बी भी आएगा, सी भी आएगा है ना, और इनफैक्ट ए भी आएगा, तो लोअर बाउंड ऑफ सेट सी इज डी बी सी ए, तो लोअर बाउंड ऑफ सेट डी ई एफ जी जो हम कह रहे थे, डी एफ जी का लोअर बाउंड बी सी, ये गलत है ना, बी सी के अलावा और भी तो बहुत कुछ आ रहा है, तो थोड़ी अच्छी बात बोलता हूं, अगर हमने सेट बी के लिए अपर बाउंड निकाला है सेट सी, तो सेट सी के लिए जो लोअर बाउंड होगा उसमें सेट बी तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा कुछ और भी घुस सकते हैं, तो जो जो घुस सकते हैं वो मैंने आपको सारे घुसा दिए, तो सिंपल बात इतनी याद रखना, अगर सेट बी के लिए अपर बाउंड सेट सी, तो कोई जरूरी नहीं है सेट सी के लिए लोअर बाउंड सेट बी होगा, नहीं क्या पता हो भी जाए, अच्छा दिनों को तो शायद निकल है, मतलब और कोई नहीं निकल रहा, आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि नहीं, जैसे बी और सी आ रहे हैं, इसके अलावा कोई आ ही नहीं रहा, शायद ना आ पाता तो हम क्या जाते, ठीक है जी, सेट बी के लिए अपर बाउंड सेट सी और सेट सी के लिए लोअर बाउंड होगा सेट बी, शायद ऐसा हो भी सकता है, बट बेटर वे क्या है, सेट सी के लिए जो भी हम लोअर बाउंड निकालेंगे that will contain this set B. So set B will be subset of lower bound of set C. Beautiful बात, समझ गए? Set C के lower bound जो भी होगा, जो set होगा, उसका ये B subset होगा. So set B will be subset of lower bound of set C. पकड़ गए, I think आप, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? Please ध्यान रखना, ठीक है जी? तो lower bound set of set C will be this. I think आप समझ चुके हो, ठीक है जी? अब एक बात समझो, जैसे यहीं पे ही मैं आपको बोल देता ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट सी बताओ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डी बी सी ए, डी बी सी ए ये रहा हमारे पास, ये सेट ये रहा, इसमें से आपको क्या करना है भाई, ग्रेटेस्ट एलिमेंट बताना, देखते समझ में आ रहा है, क्या टेंशन है आपको, ये लो, ये तो अभी मैं आपको समझा के भी आया था, ए बी सी ओ डी, इसमें लो, इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, डी है, काम खत्म, डी, ठीक है ना? अच्छा वही बात चल ही रही है, तो अपर बाउंड बता दो भाई, अपर बाउंड ऑफ सेट सी, अपर बाउंड में कौन कौन सा आएगा भाई, देखो सी सेट क्या है, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, तो अपर बाउंड ऑफ सेट सी बताओ भाई, अपर बाउंड बताओ, ऊपर देखना है ना, मतलब ये चारों के चारों ऊपर किस से रिलेट कर रहा है, आपको समझा रहा हूँ जी से रिलेट कर रहा है, और कोई नहीं है यहाँ पे है ना, आप गैस ये देखो समझो, देखो डी से जी रास्ता जा रहा है, ई से जी रास्ता जा रहा है, एफ से जी रास्ता जा रहा है, जी से जी भी रास्ता जा रहा है क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, तो बस जी से सारे रिलेट कर रहे हैं, तो अपर बाउंड ऑफ सेट सी विल बी जी ओनली, तो वही बात है भाई, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट सी विल बी obviously जी, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो वही हमारा लिस्ट हो गया है ना, I think आप समझ पा रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस का माइंड में अच्छे से फिट करके रखना, मैं काफी अच्छे से आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है जी, चलो नेट्स इट। अच्छा एक आधा एग्जाम्पल मेरे मन में और आ रहा है, मैं वो भी डिस्कस करता हूँ, साइड में होना, पहले नोट डाउन करो उसको आराम से, कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, और एग्जाम्पल करा रहा हूँ, हाँ एक एक आधा एग्जाम्पल और देखो, उससे ना थोड़े से कंसेप्ट आपके और क्लियर हो जाएंगे, और कुछ नहीं, थोड़े से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, देखो सपोज करो मैं आपको ऐसे बोलता हूं, ये ए ए बी सॉरी ए बी सी डी और ई, ये हमारा ऐसे डायग्राम है, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं अपर बाउंड ऑफ, ये चलो मैं एक सेट ले लेता हूं से बी, उसमें मैं ले लेता हूं ए और बी, मैं आपसे पूछता हूं अपर बाउंड ऑफ सेट बी विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या बोलोगे भाई, ए और बी देखो ऊपर किस किस से रिलेट कर रहे हैं, ए और बी दोनों चीज से रिलेट करोगे सारे उठा के ले देना, ए और बी सी से रिलेट कर रहे हैं, डी से और ई से, तो चुपचाप से उठा के ले दो, क्या टेंशन है आपको, सी डी और ई अपर बाउंड में आ गया, अब बड़ा ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछूं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट बी बताओगे, अब बताओ क्या बोलोगे, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट बी बोलो, मतलब इन तीनों में से लीस्ट बताना है, सी डी और ई, बोलो भाई, ये बैठा सी, ये बैठा डी, ये बैठा ई, जैसा है वैसा करना, अपने आप से लाइनें वाइने कहां से खींच दोगे, इनमें मैंने लाइनें खींची नहीं खींची ना, तो ऐसे पड़े हैं, अब इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, लीस्ट का मतलब क्या होगा भाई, एक ऐसा एलिमेंट जो कि सबसे रिलेट कर रहा हो,
अब आपको लगेगा सी, अरे सी नीचे है तो इसका मतलब क्या है कि सबसे रिलेट कर रहा है। नहीं, सी से ना तो डी एज है ना ही ई एज है, नहीं बात बनने वाली है ऐसी, ना तो डी से ना ही ई से, कुछ कहीं कुछ जा रहा तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी यहाँ पे है ही नहीं। प्लीज ध्यान रखना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल बात, अभी अभी तो घर बना देना, अब घर के अंदर देखना है कौन है कपूत, है ना, लिस्ट अप, लिस्ट का मतलब क्या होता है, कपूत ढूंढो, कोई भी नहीं है भाई, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं जो सबसे रिलेट कर रहा हो, कोई है ही नहीं, तो मैं करूं क्या, है ना, सी डी और ई है, कौन किसे रिलेट कर रहा है मैं नहीं पता, बस वही बात करता हूँ, लिस्ट अपर बाउंड हमें नहीं मिलने वाला, ठीक है जी। अच्छा अब बड़ा ध्यान से समझना, अगर मैं आपको एक सेट सी देता हूँ, उसमें मैं बोलता हूँ ए बी और सी तीन एलिमेंट, ठीक है, ए बी और सी तीन एलिमेंट है, आप मुझे बताओ अपर बाउंड ऑफ दिस सेट सी विल बी इक्वल टू व्हाट, मतलब ये ए बी और सी ये तीनों किससे ऊपर, किससे जाकर रिलेट कर रहे हैं, मुझे समझाओ। देखो नो डाउट ए और बी डी से कर रहे हैं, ए और बी ई से कर रहे हैं, लेकिन सी तो फिर इनसे नहीं कर पा रहा ना, तो मेरे को तीनों को पकड़ के चलना है, प्लीज ध्यान से समझो। अपर बाउंड का मतलब क्या होगा, ए बी और सी ये तीन एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, ये देखो ये ए ये बी ये सी रफली मैं लिख रहा हूं, तो मुझे बताओ ऊपर ये किस किस से रिलेट कर रहे हैं, तीनों को देखना है, आपको लगेगा कोई भी नहीं है, अरे है भाई ऐसे मत बोलो कोई नहीं है, सी से तो कर रहे हैं, सी के पकड़ो, ए सी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है और सी बी सी से रिलेट कर रहा है, तो ठीक है जी हमारे पास है, तो अपर बाउंड ऑफ सेट सी विल बी इक्वल टू सी ओनली, ठीक है, थोड़ा सेट फॉर्मेट पे लिख देता हूं तो अच्छा लगे, क्योंकि अपर बाउंड में सेट आते हैं, ठीक है जी, अपर बाउंड ऑफ सेट सी विल बी सी। अब आप आराम से गेस कर पा रहे होंगे, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट सी विल बी ऑब्वियसली सी, ठीक है, ये सी से कंफ्यूज नहीं करें ना, कैपिटल सी मान लो, ये बीच में ये छोटे सी है ना, तो ये जो सी है ये छोटे वाला ये कैपिटल है, तो कैपिटल सी के लिए जो ये सेट था इसके लिए मैंने पूछा आपसे, तो ये स्मॉल सी निकल आया, और फिर लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस कैपिटल सेट सी, ठीक है, दैट विल बी स्मॉल सी ओनली, क्यों, क्योंकि जब एलिमेंट एक है तो फिर वही हमारा ग्रेटेस्ट है, वही हमारा लिस्ट, और हमारे को लिस्ट चाहिए था, लिस्ट हमें मिल गया, हमारा काम खत्म। अब मैं क्या बोलूं, आपको समझ आ चुका होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा अब यहीं पे क्योंकि बात चल रही है तो मैं और कर लेता हूँ, सेट बी के लिए हमने अपर बाउंड निकाला ना, मेरे को लोअर बाउंड बता दो, मैं मान जाऊंगा आपको, लोअर बाउंड ऑफ सेट बी बताओ भाई, नहीं मिलना, कॉमन सेंस की बात है, बताओ नीचे कहाँ, किससे, कौन नीचे, कौन सा एलिमेंट बैठा जो कि इन दोनों से रिलेट कर रहा है, कोई भी नहीं है भाई, इनफैक्ट तो अच्छी बात बोलूं ये दोनों एलिमेंट ना मिनिमल है, ये दोनों एलिमेंट मिनिमल है, ठीक है, मतलब कोई भी आके से रिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि ये दोनों मिनिमल हैं, तो पक्की बात है ये इनसे नीचे कौन सा एलिमेंट बैठा होगा जो इनसे रिलेट कर रहा होगा, कोई मिलना ही नहीं है, आई थिंक समझ पा रहे होगे मैं क्या करने कोशिश कर रहा हूँ, आ रहा था समझ तो ठीक है, नहीं तो मारो गोली, बस जो बेसिक बात आपको समझ आ रही है, नीचे आंखों से नजर आ रहा होगा कौन है नीचे जो इन दोनों से रिलेट कर रहा है, कोई नहीं है, मारो गोली बस खत्म करो, ठीक है, तो लीस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट बी इज नथिंग, अब ऑब्वियसली जब कुछ मिला ही नहीं है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहाँ से निकालोगे बी की, नहीं मिलने वाली, लोअर बाउंड में कुछ मिलेगा तभी तो मैं कहूंगा ना कि ये सेट मिले, आप इनमें रिलेशन ढूंढू और कपूत ढूंढू ग्रेटेस्ट, ना सॉरी, तो मैं बोलूंगा कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट ढूंढू इसमें से, ईगो वाले सुंदर लड़की ढूंढू इनमें से, जब कोई मिला ही नहीं तो फिर मैं ढूंढू कहां से, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो अपने आप से, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी नहीं मिलने वाला, लोअर बाउंड भी नहीं मिला तो फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहां से मिलेगा, ये बात खत्म, काटा लगा देना। अच्छा जी सेट सी की हमने बात करी थी, तो यहाँ पे मैं साथ साथ बात कर लेता हूँ, अपर बाउंड मिल गया, लीस्ट अपर बाउंड मिल चुका है सेट सी के लिए, तो अब आप मुझे बताओ लोअर बाउंड बताओ, है ना, आपको देखते समझ आ रहा होगा लोअर बाउंड ऑफ सेट सी नहीं मिलेगा, कोई मुझे नीचे ए बी और सी से नीचे एलिमेंट बताओ जो कि इन तीनों से रिलेट कर रहा है, आपको लगेगा ए नहीं, मैंने ए बी से कहाँ रिलेट कर रहा है, ए से कर रहा है, ए सी से कर रहा है, लेकिन ए बी से तो नहीं कर रहा, अरे इतनी बड़ी बात जब मैंने बोल दी, इतनी भारी बात मैंने बोल दी कि ये दोनों मिनिमल एलिमेंट है तो इनसे आके कोई भी रिलेट नहीं कर रहा, तो वहीं पे बात हमारी खत्म होगी, मैं आगे बोलूँ क्या, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने कोशिश कर रहा हूँ, तो लीस्ट लोअर बाउंड ऑफ सी नहीं मिलने वाला, तो ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सी भी नहीं मिलने वाला, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है, तो ऐसे मत बोल देना कि ये सी नीचे है डी ऊपर है ई ऊपर है तो एक किस्म से रिलेशन बन गया, तो सी सबसे नीचे होगा तो इसलिए ये लीस्ट अपर बाउंड हो गया, एंड सॉरी बकवास आई बात, ऐसे नहीं बोलना होता, ठीक है, सी को हम लीस्ट अपर बाउंड नहीं कह सकते ए और बी के लिए, ए और बी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सी हमारा लीस्ट अपर बाउंड है नहीं, ऐसे मैं नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि अपर बाउंड में सी डी और ई आ रहे हैं लेकिन इन तीनों का कोई आपस में रिलेशन ही नहीं, तो मैं लीस्ट कैसे बोल दूं इसको, नथिंग, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो बात नहीं बनने वाली, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो फिर मैं अपना काम कंप्लीट करता हूँ, हटा रहा हूँ मैं इसको, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेट अस सपोज मैं लेता हूँ ये, ये मैंने काफी बार कराया है वैसे एग्जाम्पल आपको, ठीक है, बट स्टिल कोई बात नहीं, मेरे मन में ये आया तो मैंने ये लिख दिया,
लो भाई, ये है जी ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, मैं अब आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, इस एक सेट बी ले लेते हैं, उसमें दो एलिमेंट हैं जी बी और सी। आप मुझे बताओ अपर बाउंड ऑफ सेट बी, अपर बाउंड बताओ भाई, मतलब बी और सी दोनों किस किस से ऊपर रिलेट करें। सारे उठा उठा के लिखो चुपचाप से, कोई टेंशन नहीं, सब उठा उठा के लिखो। बोलो भाई कौन कौन आएगा भाई। ऑब्वियसली ई आएगा, डी आएगा और एफ आएगा। ठीक है, ई डी और एफ, आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, ये क्लियर हो रहा होगा सबको। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी बताओ। अब आपको घर के अंदर घुसना पड़ेगा, ई डी एफ देखना पड़ेगा कैसे रिलेट कर रहे हैं। ये बैठा ई, ये बैठा डी और ये बैठा एफ। लो भाई अब बोलो भाई, लीस्ट का मतलब क्या होगा। कोई ऐसा एलिमेंट बताओ जो कि इन तीनों से, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट बताओ इसमें से जो कि सबसे रिलेट कर रहा हो। मतलब ई, अगर आपको लगता है कि ई सबसे रिलेट कर रहा है तो ठीक है, ई से कर रहा है, ई एफ से कर रहा है, बट ई डी से तो नहीं कर रहा, वहीं हम फंस गए। डी की, अब वही बात है, देखो भाई दो मिनिमल मिले बैठे हैं ना, मेरे को दो मिनिमल यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना आपको, इस सेट में भी देखो बस, बाकी सबको छोड़ो, इस सेट में देखो दो मिनिमल बने बैठे हैं ना, बात नहीं बनने वाली पे काटा लगा देना। ठीक है जी, लिस्ट अपर बार मेरे को नहीं मिलेगा, बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अब देखो भाई, अब वही बात है, अपर लोअर बाउंड देख लो, लोअर बाउंड ऑफ सेट बी, लोअर बाउंड ऑफ सेट बी। बोलो भाई आराम से, देखो नीचे कोई एलिमेंट बताओ जो कि इन दोनों से रिलेट कर। लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है भाई, बी और सी ऊपर बैठे हैं ना, कोई नीचे एक ऐसा एलिमेंट बताओ, बहुत जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो कि इन दोनों से रिलेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है ए। ठीक है, हाँ जी, तो वही सेट में लिखना क्योंकि लोअर बाउंड सेट होता है। अच्छा जी, वही बात आएगी भाई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताओ। अब सेट ए एलिमेंट ही है क्या, तो फिर मैं उसी को क्या कह जाऊंगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा क्लियर सबको। ठीक है जी, अच्छा अब देखो सिंपल बात, हमने तो काफी टेक्निकली और अच्छे से डिटेल में चीजें समझी हैं, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जब भी आपको दो एलिमेंट, जनरली ना हम दो एलिमेंट्स की बात करेंगे लेटेस्ट थ्योरी में जब हम जाएंगे, अभी तो मैं सेट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे बी सी पकड़ लिया, ऐसे ही मैं चाहता तो ए बी सी पकड़ लेता। अब आपके लिए होमवर्क है, प्लीज एक सेट सी ले लेना, सेट सी में आप ले लेना ए बी और सी। ठीक है, इसके लिए आप अपर बाउंड बताएंगे, लीस्ट अपर बाउंड बताएंगे, लोअर बाउंड बताएंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताएंगे। ये आपके लिए होगा कभी, प्लीज बहुत आसान है, आप अपने आप से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया तो आपको क्लियर हो गया होगा, प्लीज अपने आप करना इस चीज को। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि जनरली लेटेस्ट थ्योरी में ना हम दो दो एलिमेंट्स की बात करते हैं, तीन तीन चार चार पांच पांच ऐसे बात नहीं करते। मैं तो आपको तीन तीन चार चार एलिमेंट, पांच पांच एलिमेंट भी लेके दिखाए हैं, बट इतनी जनरली बात नहीं करते, दो दो की बात करते हैं। तो दो की, जैसे हमने बीओसी पकड़ लिया, तो अपर बाउंड के लिए आपको ग्रेटेस्ट अपर बाउंड के लिए थोड़ा शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। ठीक है, अपर बाउंड तो आपको पता लग जाता है फटाफट कौन कौन से हैं, बट ग्रेटेस्ट के लिए थोड़ी सी टेंशन आती है ना दिमाग में, है ना, आपको पहले अपर बाउंड निकालनी पड़ती है, फिर उसमें से ग्रेटेस्ट निकालना पड़ता है, एंड सम कर सकते हो, टाइम वेस्ट है ना, गेट एग्जाम में थोड़ा जल्दी काम करने के लिए ऐसे करना है। देखो बी और सी जाके देखना कहाँ का ऊपर ऊपर देखना कहाँ मीट कर रहे हैं, दोनों ई पे मीट कर रहे हैं और डी पे मीट कर रहे हैं। अब आप बोलो क्या ई और डी आपस में रिलेटेड है, नहीं है रिलेटेड, तो वहीं से काटा लगा देना। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बी और सी के लिए आपको लीस्ट अपर बाउंड अगर देखना था, लीस्ट अपर बाउंड देखने के लिए आपको ऊपर देखना था, और देखना था कहाँ ये जाके ज्वाइन हो रहे हैं। इसलिए मैंने बोला देखो ऊपर ज्वाइन नीचे मीट, कहाँ ऊपर ज्वाइन हो रहे हैं जाके देखो, ई पे ज्वाइन हो रहे हैं और इधर डी पे भी ज्वाइन हो रहे हैं। अब आप देखो क्या ई और डी आपस में रिलेटेड है, नहीं रिलेटेड, काटा लगा देना, बोल देना इसके लिए ग्रेटेस्ट अपर बाउंड नहीं मिलने वाला, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड नहीं मिलने वाला। अच्छा जी, अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए आपको क्या करना है, नीचे देखो ये जाके कहां मीट कर रहे हैं, नीचे सिर्फ एक ही जगह पे मीट कर रहे हैं, तो बस यही हो जाएगा हमारा लीस्ट, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। बस समझ आई, नीचे कहां मीट कर रहे हैं देख लेना, दैट इज आवर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, देखो ईओडी, ईओडी की बात करो, ईओडी बोलो ऊपर कहां जाके ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब वही बात है, हमारे को लीस्ट अपर बाउंड निकालना है, एक ही जगह पे हो रहे हैं ना, हमारा काम खत्म। ठीक है जी, तो ई और डी के लिए मैं बोल देता हूं आपको ग्रेटेस्ट, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड, वही बात है, मार्कर भी ढंग से नहीं चल रहा भाई, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ से मैं ब्रैकेट में ले देता हूँ, या चलो एक सेट डी ले लेता हूँ, ई और एफ, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ डी दैट विल बी एफ। ठीक है, सॉरी ई और डी है ना, सॉरी ई और डी, ठीक है, ई और डी का लीस्ट अपर बाउंड विल बी एफ, ऊपर जाके कहाँ मीट कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट डी। बोलो भाई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, नीचे देखो कहाँ कहाँ ये जाके मीट हो रहे हैं, देखो ई इधर भी मीट हो रहा है, ई और डी दोनों इधर भी मीट हो रहे हैं, और ई और डी इधर भी मीट हो रहे हैं, बी और सी, और बी और सी में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो काटा लगा देना नहीं मिलने वाला। आई थिंक पकड़ गए हो गया ना,
मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा था ये सब कुछ, शायद आप लोग मिक्स खिचड़ी बन जाएगी, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बोला था, बट वही बात है, थोड़ा सा मेरे से कंट्रोल नहीं हो, सॉरी फॉर दैट, बट मैंने आपको थोड़ा थोड़ा कोशिश करी है क्रिस्टल क्लियर करने की कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, समझ में आया? अच्छी बात है, नहीं समझ तो कोई बात नहीं, मैं इसी इन्हीं सब चीजों को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा, है ना। अब आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मेरे को स्कोर ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू। इससे ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन एक्सट्रीमल एलिमेंट्स ऑफ पोसेट, हर एक चीज के बारे में समझाऊंगा आपको, एक्सट्रीमल एलिमेंट्स में मैक्सिमल मिनिमल, है ना, शॉर्टकट दूंगा मैं, बड़े ब्यूटीफुल बड़े अच्छे से शॉर्टकट दूंगा, मैक्सिमल कैसे निकालते हैं, मिनिमल कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट कैसे निकालते हैं, लीस्ट कैसे निकालते हैं, है ना, अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, सब ए टू जेड बिल्कुल ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू मैं सारा कुछ क्लियर करूंगा, 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से शॉर्टकट्स दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे, अभी ज्यादा बोलूंगा ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं चाहता ही नहीं कि आप लोग अभी इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ, अभी बात को सिंपल रखते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन में डालते हैं, ये एग्जांपल समझ आया तो ठीक है, मतलब यहां से आगे ना, यहां से ये जो मैंने ये सब बोल दिया कि बी और सी कहां ज्वाइन कर रहे हैं एंड सोनू, समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ तो मारो गोली। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से यही एग्जाम्पल उठाऊंगा और इसे दोबारा से शुरू करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना अच्छे से माइंड में घुसा लो जो मैंने पढ़ाया, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बहुत अच्छे से पढ़ाओ, और जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो इट विल बी जस्ट लाइक अ केक वॉक फॉर यू, बहुत जल्दी जल्दी आप चीजों को करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ शॉर्टकट्स मैं आपको फटाफट से समझा दूंगा, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्पल्स लू बट कोई बात है, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, चलो ठीक है, डेट्स इट, ओके, थैंक यू सो मच।